अलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रात के बज रहे हैं 4:30 और जो है ना, मैं इधर बाहर हूँ, सैम अंदर है। सैम जो है उसके टेस्ट करवाए हैं अभी उन्होंने, तो देखो क्या आता है क्या नहीं। कुछ मसला मिल जाए फिर उस हिसाब से उसका इलाज करना शुरू करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो कि मैंने आज खून भी दिया है, तकरीबन 0.5 लीटर खून उसने निकाला है, तो मैंने आराम भी नहीं किया और सुबह भी 8 बजे का उठा हुआ हूँ। आपको पता है कि जैसा कि मैंने 8 बजे जाना था, ठीक है, उधर जाना था अस्पताल सिंह गौर। बज रहे हैं रात के तकरीबन 5:30 हो रहे हैं बेटे, 5:30 हो रहे हैं और हम लोगों ने सोचा सैम सोया अभी सोया है, तो अभी वो घंटा डेढ़ बोलते सुबह होगी घर जाके ही सोएंगे, है ना। तो मैंने उसको बोला घर अभी जाएंगे, उसको ये था कि अभी पता नहीं कितने दिन के लिए एडमिट करते हैं कितने दिन के लिए नहीं। नॉर्मल तो उन्होंने टेस्ट किए हैं, लेकिन अब पता नहीं कौन सा टेस्ट और भी करेंगे, तो उसका ब्लड निकाल के और भी टेस्ट करेंगे, तो फिर पता चलेगा कि उसको क्या है, फिर उस हिसाब से इलाज करेंगे कि प्लेटलेट्स उसके कम क्यों हो रहे हैं। एक बार डेंगू का हमने करवाया है, डेंगू का बोलते हैं कि डेंगू का जो टेस्ट होता है ना, कभी कभी नहीं भी आता, ठीक है। तो हमें थोड़ी बहुत भूख लग रही थी मुझे, क्योंकि मैंने आराम तो किया नहीं खून दे के, ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कुछ खा पी लें। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, पहली बार दिया मेरा अभी ये बाजू मेरा थक गया है, आप जाके दे दो। मैं क्या अगर मेरा, अच्छा ये मैंने बात नोट की है, आज तक किसी लेडीज का खून नहीं लिया किसी ने, कोई नहीं लेते खून लेने वाले, लेडी मर नहीं जाए, मर नहीं जाए ना, बस कर दो। क्या वजह है किसी लेडीज का खून नहीं लेते, क्या वजह है आपने कमेंट्स में बताना है। हम यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे कुछ अंडा और कुछ पराठा खाएंगे, क्या कहते हो। हाँ जैसा आप बोलो, हाँ कुछ खा लो ना। आपकी आंखों पे भी ये देखो स्वेलिंग हो गई, रेड हो गई, यहाँ से बिल्कुल लाल सुर्ख, पता नहीं अब रोने की वजह से हुई है या आपका बीपी प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, टेंशन नहीं लो ठीक हो जाता है, ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। बच्चे देखे हैं उधर क्या हाल है लोगों के, देखा है खुद ना अपनी आंखों से। तो इससे पहले कि सैम उठे हम फटाफट खा के भाग जाएं, ठीक है। यही सोच रहा था कि लेडीज़ का खून क्यों नहीं लेते हैं, तो आप सब ने कमेंट्स में बताना है कि लेडीज़ का खून क्यों नहीं लेते, का खून क्यों निकालते हैं लेडीज का क्यों नहीं लेते। मतलब अपना नहीं देते, खून दिया है बस बोलो, अपना नहीं दिया, अपना ना यहाँ से निकाला उन्होंने भाई, यहाँ से खुद निकाल के दिया था, डॉक्टर ने निकाल के दिया था, डॉक्टर निकाल दे लिए क्या है। अच्छा उन्होंने वहाँ से तो निकाल लिया, भाई का खून निकाला और वही खून भाभी को लगा दिया। नहीं मैं ये नहीं, मतलब उन्होंने तो निकाला ना अपनी तरफ से, भाई ने खून दे दिया। हाँ उन्होंने आगे से कोई, हाँ ये है, ये बात ठीक है। अब मुझे अपना ब्लड ग्रुप ही नहीं पता अभी तक, पता है मैंने कभी जो है ना वो लगवाया ही नहीं खून, ना दिया ना कभी टेस्ट ही नहीं, मैंने होश संभाली है जब से। हाँ मतलब कि हमारी शादी को 10 साल या 9 साल होने वाले हैं, 9 साल में ये पहला वाकया जो हमने इतने टेस्ट करवाए। वैसे प्रेगनेंसी में टेस्ट होते हैं भी, ठीक है, नहीं अल्ट्रासाउंड के अलावा टेस्ट भी होते हैं आपके। हाँ सैम का एक ही टेस्ट बार बार हो रहा है, पता है प्लेटर्स का। हाँ बेचारा बहुत रोता है, बस पछता, वो भी सोया है, वो थोड़ा गहरी नींद सोता है, इस वजह से हम टाइम निकाल के आ गए कि वो उठे नहीं। ये एक बंदा अंदर रहता है, एक बाहर रहता है, जाने नहीं देते। और मुझे इतनी थकन महसूस हो रही है, इधर पास में ही किरण आपी का घर है, पैदल भी जा कर सकते हैं, ठीक है, इतना पास है, तो 5 मिनट लगेंगे पैदल जाने में। सुबह मैं सोच रहा हूँ इसको वहाँ भेज दूँ, ये पूरा दिन उधर आराम कर ले और शाम को मैं अपने घर चला जाऊँ, रात ये रहे, सुबह पता नहीं क्या सीन है कि या नहीं, चलो देखते हैं अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो जाए वो। हाँ भले एक दो दिन लगे, 2 लगे, 3 लगे, 4 लगे, 5 लगे, हफ्ता लगे, लेकिन वो ठीक हो जाए। लग गई
रो के आंसू मिठी ने पहले ही खत्म कर ली है। जो है ना चाय भी आ चुकी है और हाफ फ्राई अंडा बनवाया हमने, दो पराठे बनवाए, अच्छे से खाना बिठी ठीक है। हाँ मैं भी अच्छे से खा रहा हूँ, खाने पीने से कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी तो वैसे भी नहीं है, थोड़े से अपसेट थे इस वजह से खाना पीना थोड़ा लेट हो गया। कल सुबह नाश्ता किया था हमने और रात को 12 बजे खाया है ना, तो मुझे भी सारा दिन भूख नहीं लगी रही क्योंकि मुझे दोपहर कोई कॉल आ गई थी। हाँ 4-5 बजे रिपोर्ट आकी, कॉल आई थी कि उसकी प्लेटलेट्स इतने कम आए हैं, तो मेरा उसी टाइम दिल था फटाफट हम अस्पताल चले जाएं, तो हमने तैयारी की और आ गए हैं। तो चलो खाना खा के मिलते हैं फिर नाश्ता। हम यहाँ पे ये वाली हमारी बहन आई है नाश्ता लेके, क्यों बेटी अंडा खाता है सैम्बो शॉप से, इसको हम ऊपर से नीचे उतार लाए हैं। कुछ नहीं आराम से खाओ। मामा ने दिया था, कहती इससे ना एग निकाल के देना। उबले हुए एग से निकाल लिया फिर तूने हाथ से निकाल लिया। आज भी आपने बोला निकाल के दो। वाओ मैंने को चक्कर है जो बहुत साथ आ रहा था माशाल्लाह। हां परदेसी बात है। हां बिल्कुल। हेलो खाओ खाओ। ये वाली सिस्टर आई थी नाश्ता लेके, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वैसे इशारे। ये भी एक नहीं पता। वैसे ये भी एक यूट्यूबर है ठीक है, तो नाम नहीं, नहीं बताएंगे ठीक है, डन हो गया ठीक है। नहीं मैं इसलिए नहीं है क्या मेरा चैनल का नाम बताएं। नहीं बता रहा मैं, कब बता रहा है चैनल? नहीं है चैनल तो है, चैनल है लेकिन मैं हमने कब बोला आप इसलिए आए हो? टाइम नहीं है अभी। हम भी फिर बताना चाहते हैं लेकिन ये जो सिस्टर है, चलो चले ऊपर वो खुद ही से मतलब नहीं बता रहे नाम, तो हम क्या करें? आप क्या कर सकते? बता दें क्या नाम है आपके यूट्यूब चैनल का, बता दें आप, बता दें ना। नहीं मैं तो भूल गया हूँ, मैं तो भूल गया हूँ। हॉस्पिटल में आके ये वाली सिस्टर को कह रही है आप मेकअप लेके आती तो मैं मेकअप करती है बेटी। अभी आ चुकी है फाइनली पता करने, कैसे हो? रोना नहीं है भाई। शाजिया भी बहुत रो रही थी ठीक है, इसको बड़ी मुश्किल चुप कर आया बिठी की तरह, बिठी की तरह। भाई शाजिया का भी दिल छोटा है, नहीं मैं तो हंसता हूँ, मैं तो हंसता हूँ। ठीक हो जाएगा अगर यहाँ से इसका प्रॉपर इलाज कराएंगे, 15 दिन लगे, 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, क्यों? प्रॉपर आप लोगों ने जो है बहुत सारी दुआ करनी सैम के लिए कि सैम की तबीयत अच्छी हो जाए और हम लोग सारे यहाँ से हंसी खुशी सैम को वापस ले जाए ठीक है। इंशाल्लाह खुदा ने चाहा तो जरूर। या वाह अच्छा, मतलब चोट आई तो चोट नहीं आने दो, चलने फिरने तो ऐसे बीमार होगा ना, अगे उत्ते इतना सुस्त हो रहा था। यहाँ पे हमें 4-5 दिन 1 हफ्ता गुजारना पड़ेगा और अब आपको भी यहीं के ब्लॉग मिलेंगे, क्यों भाई? बताना तो है ना आप लोगों को। तो ये ब्लॉग जो था यहीं तक था और ये सिस्टर हमारे लिए, आ जाओ आ जाओ, ये सिस्टर हमारे लिए जो है ना आजकल लेके आई थी, इसको आप लाजमी जाके सब्सक्राइब करिएगा। इसके यूट्यूब चैनल का नाम है जैनी ब्लॉग, जैनी ब्लॉग, जैनी ब्लॉग है, तो आप लाजमी जाके सब्सक्राइब करिए। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।